पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, प्रभु आप सबको आशीष करें। God bless all of you. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? आज के दिन के लिए, for this day, प्रार्थना के लिए, to pray, वचन सुनने के लिए, to hear the word of God. आइए प्रार्थना करें। पास्टर सेलिन हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। Heavenly Father, in the name of Jesus, we just thank you. Yes, Lord. स्वर्गीय पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, धन्यवाद ईश्वर। Thank for this beautiful day. इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद। This is your day, Lord. ये आपका दिन है परमेश्वर। And you have made it for us. आपने हमारे लिए बनाया। That we may rejoice. ताकि हम आनंदित हो। And be glad in it. और उसमें खुशी मनाएं। Thank you, Daddy. धन्यवाद ईश्वर। You have filled us with your joy, O God. आपने हमें अपनी आनंद से भर दिया। Psalm 16:11 says. भजन संहिता 16 उसके 11 में। There is fullness of joy in the presence of the Lord. अब परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूरी आनंद है। Psalms 122 says. भजन संहिता 122। I was glad when they said to me, let's go to the house of the Lord. मैं खुश हुआ कि प्रभु के घर में जाने के लिए मैं बुलाया गया। Thank you, Daddy. धन्यवाद ईश्वर। We are always in your house. हम आपकी घरों में प्रभु जी। We will dwell in the house of the Lord forever and ever. हम परमेश्वर के घराने में वास करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। Just to be in your courts, Lord, is better than 1,000 elsewhere. तेरे आंगनों में रहना ही अच्छा है प्रभु जी, हजारों गुना जा। One thing that I desire of the Lord. हम एक बात प्रभु से मांगते हैं। And that will I seek after. अब वही मैं उसकी खोज करूंगा। That I may inquire of the Lord. मैं प्रभु की खोज भी करूंगा। And be there, Lord, with you. और तेरे साथ उधर रहूंगा प्रभु जी। Like David, Lord. दाऊद के समान। We want to get into great intimacy with you. और प्रभु की आपकी गहराई में हमें उतार। Teach us, O God. सिखा प्रभु जी। Draw us close to you. हमें अपने नजदीक लेके आ। You are everything for us. आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। Lord, nothing of us. हमारा कुछ भी। But all of you in our life. सब कुछ आपका हमारा जीवन में। Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश्वर। Come, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आ। You lead, we will follow. आप हमें अगुवा कर, हम आपके पीछे चलेंगे। Christ in us is the hope of glory. मसीह मुझ में आशा की किरण है। Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश्वर। In Jesus' name I pray. ईशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। और yeah, सबने कहा। And all said. Amen. Amen. आइए पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब। Shall we read John? 15 उसका 7 और 8। 7 and 8। यदि तुम मुझ में बने रहो, If you abide in me, और मेरा वचन तुम में बने रहे, my words abide in you, तो जो चाहे मांगेगा, you shall ask what you will, तुम्हारे लिए हो जाए, it shall be done unto you. मेरे पिता की महिमा, here is my father's glory, इसी से होती है, glorified. तुम बहुत सा फल लाओ, that you bear much fruit, तभी तुम मेरे चेले, so shall you be my disciple. इन दिनों हम सीख रहे हैं, now we are learning about, परमेश्वर को जानना, how to know God, समझना, to understand him, विश्वास करना, to believe in him, परमेश्वर पर चलना, to walk in him, परमेश्वर पर चलना, परमेश्वर के पीछे चलना, to follow God. हमें आज हम देखेंगे परमेश्वर हमारा पिता है, उसे हमको जानने का। Today we will know God as our father. क्या आप जानते हैं आपका परमेश्वर आपका डैडी है, स्वर्गीय पिता। Do you know the God the Creator is your father? यीशु मसीह जब चेलों को सिखाया, पहला बात सिखाया, ये हमारे स्वर्गीय पिता। When Jesus taught his disciple, he asked them to call God their father. Amen. Amen. वो हमारा डैडी है, हम उसका बेटा है। He is our father and we are his children. हम एक रिश्ते में हैं। We are in a relationship. गहरा रिश्ता। It is a
deep and intimate relationship. ये रिश्ता आपका सही होगा, बाकी सारी रिश्ते आपके सही होंगे. If your relationship with the Father is correct, then every relationship will be good. हम अधिकतर मनुष्यों को खुश करने सोचते हैं. We are always out to please the people around us. पति, पत्नी, माँबाप, बच्चे, husband, परिवार, पड़ोसी, parents, neighbors, friends. हम इनको खुश करने सोचते हैं. We try to please everyone. पर हम अगर प्रभु को खुश करेंगे. But I tell you, if you please the Father, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ पक्का होगा. If our relationship is strong with बाकी, Father, बाकी रिश्ते, सारी रिश्ते आपका सही होगा. Everything else will follow. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए परमेश्वर बोला, तू अपने परमेश्वर से सारी मन, सारी शक्ति, संपूर्ण जीवन से प्रेम कर. Therefore, the God's word always exhorts us to love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. जब हम परमेश्वर से प्रेम करेगा, when we love God, बाकी सारी प्रेम में हम आशीष और बरकत पाएंगे. Then all our relationship with others will become blessed. पहले परमेश्वर से तू प्रेम. First God, you will love. फिर तुम अपने पड़ोसी को अपने समान you shall love your neighbor as your own self. प्रभु को क्यों पहले प्रेम करने का? Why should we love God first? ताकि प्रभु हमको प्रेम से भरेगा. So he will love us, he will fill us with love. तभी हम सबको प्रेम कर सकते. Then only we can love. अगर प्रभु का प्रेम नहीं है तो बाकी सारे प्रेम फीका और झूठा है. If there's no love of the Father in us, then there all other love is empty and void. यूहन्ना 15:7-8 में देखता है. John 15:7-8 यदि तुम मुझसे मुझ में बने रहो. If you abide in me. मेरा वचन तुम में बना रहो. And my words abide in you. यीशु कहता है, यदि तुम मुझ में बना रहो. Jesus said, if you abide in me. मेरा वचन तुम में बना रहो. My words abide in you. तो जो चाहे मांगेगा. You shall ask what you will. वो तुम्हारे लिए हो जाए. It shall be done for you. प्रभु कहता है कि मुझ में बने रहो. God says, abide in me. मेरा वचन में बना रहो. Abide in my word. बने रहो तुम. बने रहो तुम यीशु में बने रहो. यीशु में बने रहो तुम. बने रहो तुम यीशु में बने रहो. यीशु में बने रहो. गाओ रू में जाओ. यीशु में बने रहो. बने 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 यीशु में बने रहो. जो डाली सदा फल लाती है उसको वो जांचता है. जो डाली सदा फल लाती है उसको वो जांचता है. प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो जांचता है. प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो जांचता है. रूहानी फलों से भरने को. रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो. यीशु में बने रहो. यदि तुम मुझ में बने रहो. If you abide in me. अब मेरा वचन तुम में बने रहो. My words abide in you. तू जो चाहे तू मांगे. You shall ask what you will. तुम्हारे लिए हो जाए. And it shall be done unto you. क्या यीशु में बने हैं? Shall we abide in him? क्या हम वचन में बने हैं? Are we abiding in his word? जो हमारा दिल भरा है. What our heart is filled with. वही हमारा मुंह बोले. That's what your mouth will talk. आपका दिल को आप वचन से भरने का है. If you fill your heart with word. तभी आपका मुंह वचन बोले. Then your mouth will speak the word of God. इसलिए निरंतर वचन पढ़ो, ध्यान करो, दिल को भरो वचन से. Therefore every day read the word, meditate on the word and speak the word. देखो प्रभु वचन से कार्य करता है. Because God always works through his word. अगर आपका प्रार्थना वचन के साथ है पक्का आपका उत्तर प्रभु. If your word, if your prayer goes with the word of God, definitely the prayer will be answered. आठवां वाक्य में लिखा है मेरा पिता की महिमा इसी से होती है. When we read verse 7, it says, here is my father glorified. मैंने बोला आपकी प्रार्थना अगर प्रभु की महिमा होता है पक्का आपकी जरूरत को प्रभु पूरा. I taught you last week that if your prayer glorifies the father, definitely your prayer will be answered. आप जो भी मांगता अगर उस प्रार्थना में प्रभु की महिमा होता है आपकी जरूरत को मेरा प्रभु पूरा करेगा. Whatever you ask, if it is glorifying the father, it will be answered. प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, तुम मुझ में बने रहो. God's word says, you abide in me. तुम मुझ
में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहेगा। My words abide in you, जो तुम मांगेगा, whatsoever you will, मांगेगा यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। It shall be done unto you. मेरी पिता के परमेश्वर की पिता की महिमा इसी में है। Herein is the Father glorified. कि तुम बहुत सफल लाओ। That you bear much fruit. और तुम तब ही तुम मेरे चेले ठहराओ। So shall you be my disciples. हमें Amen. हमको प्रभु में बने का yeah, to abide in Jesus. हमको वचन में बना रहे yeah, यही पिता की महिमा है जिसके द्वारा बहुत से फल लाएंगे। So that we'll bring lot of fruit. Amen. Amen. और जो मांगेगा प्रभु तुम्हारे लिए whatsoever you will ask God will do. Yes. वो मेरा डैडी वो मेरा डैडी मैं उसका बेटा हूँ। हर रोज सुबह उठेंगे बोले डैडी आई लव यू। एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू राइज से डैडी आई लव यू। कितने लोग बोलते हैं हम जस्ट सेइंग दैट। जब आप बोलता है यू से इट वो डैडी आपको संभालेगा। डैडी विल टेक केयर ऑफ वो डैडी आपका सुरक्षा करेगा। ही विल प्रोटेक्ट यू। डैडी का मतलब सोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैडी? सोर्स। सोर्स स्रोत है। ही इज आवर सोर्स। ही इज माय स्रोत है। He is my source. Unending source. He is an unending source. उस पे कोई कमी घटी नहीं। There is no lack in my daddy. हर जरूरत को। Every. हर रोज प्रभु ताजगी से भरेगा। He fills me with his freshness. हर रोज वो चंगाई से भरेगा। He fills me with his healing and health. Come on, हाथ उठा के बोले ना, daddy, I love you. Lift up your hands and say, daddy, I love you. बोलो ना, daddy, I love you. Say with me, daddy, I love you. यूहन्ना 16 उसका 23 और 24. John chapter 16 verse 26 and 27. उस दिन that day तुम मुझसे पूछेगा you will ask मैं तुमसे सच कहूंगा verily verily I say unto you यदि पिता से कुछ भी मांगो whatsoever you shall ask the father मेरे नाम से तुम my name वो देगा he shall give it to you। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा hitherto you shall not ask anything in my name. मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। Your joy may be full. Amen. Amen. यीशु मसीह के नाम से जो भी हम मांगते हैं पिता परमेश्वर ask the Father in Jesus name. पिता परमेश्वर उसे पूरा करेगा। Every father will answer it. आपकी मांगे पूरा होने वाला है। Your prayers are going to be answered. आपकी प्रार्थना की उत्तर आने वाला है। Your prayers answers are coming. बस एक ही बात प्रभु की महिमा होने दे। जब प्रभु की परमेश्वर की महिमा होगा When God is glorified, वो आपको उत्तर दे। He will answer you. एफिसियों 3 उसका 14। एफिसियों की किताब 3 उसका 14। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटना टेकता हूँ। For this cause I bow my knees unto the Father. कितना लोग घुटना टेकेंगे? किसके सामने घुटना टेकेंगे? Unto whom should we bow our knees? परमेश्वर के सामने। Unto God the Father. यीशु मसीह के सामने। Before Jesus Christ. पवित्र आत्मा के साथ। With Jesus Christ. जब आप घुटना टेकेगा। When we bow our knees. जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर Of whom the whole family in heaven and earth. हर घराने का नाम रखा जाता है। Is named. कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार That he would grant you according to the riches of his glory. यह दान अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे। According to the riches of his glory, he may grant you. तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर. To be strengthened with might by spirit in the inner man. बलवंत होता जा. Be strengthened in the inner man. अविश्वास के द्वारा. That Jesus Christ may dwell in your heart by faith. मसी तुम्हारे हृदय में बसे। Christ may dwell in your hearts. तुम प्रेम में जड़ पकड़कर you being rooted and grounded. और नेव डालकर and grounded. सब पवित्र लोगों के साथ may be able to comprehend with all saints. भली भांति समझाने की शक्ति comprehend with all saints. पाओ कि उसकी चौड़ाई what is the breadth? उसका लंबाई length? ऊंचाई depth? गहराई कितना and height? मसीह के उस प्रेम को जान सको। To know the love of Christ. जो जो ज्ञान से परे है Which passes knowledge, क्योंकि परमेश्वर की सारी भरपूरी that you might be filled तक परिपूर्ण हो जाओ with all the fullness of God. Hallelujah. Hallelujah. उस परमेश्वर के प्रेम में भरपूर होते जाओ oh, be filled with the fullness of the love of जब हम घुटना टेकते परमेश्वर के सामने when we bow our knees before जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर के सामने when we pray before God वो हमारा डैडी है He's our daddy. मैं उसका बेटा हूँ we are his children जो भी हम मांगेंगे वो देगा whatever we ask he will give हमारी काम है एक ही
जहाँ भी हम जाए प्रभु की महिमा करें, that we may glorify God everywhere we go. मेरा जीने का मकसद प्रभु की महिमा होने दे. My reason of my existence is glorifying God. वो प्रभु की महिमा को देखेंगे. Whom I meet should see the glory of God in me. जो भी मुझे देखेगा वो मुझे नहीं यीशु को देखेगा. Whoever sees me will not see me but see Jesus Christ. इसलिए कहता है मैं घटूं और परमेश्वर मुझ में बढ़े. Therefore Paul says I decrease and God increases. मैं यीशु से भरा हूँ. I'm not I but it's God who lives in me. मैं पाप के लिए मर गया मसीहा के लिए जिंदा. I'm dead to sin, alive to God in Christ Jesus. कितने लोग सुन रहे हैं मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है परमेश्वर की सारी भरपूरती तक परिपूर्ण होता जाए उसका प्रेम हमें परिपूर्ण करता है जब हम प्रार्थना करते हैं वो पिता हमें भरता अपने आप वो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है Feed every desire of our heart. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग प्रार्थना करें? How many of you are praying? कितने लोग प्रभु को जानेंगे? How many of you know Jesus? निरंतर जानते रहो. Every moment know God even more. मूसा कहता अंतिम दिनों में कि मैं अपना परमेश्वर को और जानूं. Moses even at the end of his career told that I just want to know him more. इतने अद्भुत तौर से इस्तेमाल करने वाला मूसा. The same Moses was so used so wonderfully by God. At the end of his career, say, I want to know you even more. Paul, इतनी अधिक किताब लिखने के बाद वो कहता है कि मुझे और जानूं प्रभु से. Still he keeps saying, I want to know him more and more. दुनिया में सारी चीज आप जानेगा सबका एक लिमिट है. You may know anything of this world there's a limit. व्यक्ति हो चीज हो कुछ भी आप जानेगा उसकी एक सीमा है. Person, anything, there's a limit. यीशु को आप जानेगा उसका कोई सीमा नहीं. But the God whom we want to know there is no limit. वो ऐसा समुद्र है जितना भी डूबेगा वो कम है आपके लिए. He's such a big ocean. No matter how much you know him, it is less. Amen. Amen. कितने लोग बोलेंगे प्रभु जी मुझे आपकी पहचान चाहिए. Tell God, how many of you say today, Lord, I want to know you. मैं और आपको जानना चाहता हूँ. I want to know you more. मैं और वचन पढ़ना चाहता हूँ. I want to read your word. और प्रार्थना करना चाहता हूँ. I want to pray more. मैं संगति करना चाहता हूँ. I want to fellowship more. मुझे निरंतर प्रभु में बढ़ने का. Lord, I want to grow more in you. मेरा मन और दिल प्रभु से भर जाए. My heart and mind should be filled with God. जब आप बोलेगा प्रभु आपको भरेगा. God will fill you. इब्रानियों 4 उसका 15 और 16. Hebrews 4 verse 15 and 16. Read that in this problem. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो वरन सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला For we do not have an high priest which cannot be touched with his feelings of our infirmities but was in all points tempted like as we are yet without sin इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाय बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करे आमेन लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली अपॉन द थ्रोन अंडर द थ्रोन ऑफ ग्रेस दैट वी मे ऑब्टेन मर्सी एंड फाइंड ग्रेस टू हेल्प अस इन द टाइम ऑफ नीड Hallelujah. वो हमारा महायाजक है. He is our high priest. यीशु मसीह हमारा महायाजक. He is our high priest. हम जो जा रहे इससे पहले हमारे पहले यीशु मसीह यही रास्ता से गए थे. Before the roads that we travel, God Jesus already traveled on this road. यीशु मसीह कहा मैं ही रास्ता हूँ. Jesus said, I am the way. उसने सब कुछ झेल लिया. He bore everything for us. उसने कहा मैं सब कुछ खत्म किया तुम्हारे. Jesus said, I finished everything. Jesus said, I finished everything. मैं आपके लिए सब कुछ कर दिया. Jesus said, I finished everything. आज वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने बैठकर मेरे लिए और आपके लिए विनती कर रहा है. Now he is seated at the right hand of the Father. महायाजक बनकर. Interceding for us as a high priest. महायाजक बनकर. As a high priest. हमारे लिए विनती कर रहा है. He is pleading for us. पिताजी से बात कर रहा है. He is talking to the Father. नाम को आपके नाम को महायाजक
speaking for us. इसलिए अब हम हिबाय बांधकर. Therefore, let us be confident. उसके अनुग्रह पाए. And get his grace. और उसे सहायता पाए. And get his help. हम उसे सहायता पाएंगे. We will get help from him. यीशु के नाम में सहायता मिलेगी. In Jesus' name there is help. Hallelujah. वो मेरा डैडी है. He is my father. वो मेरा डैडी है. He is my daddy. मैं उसका बेटा हूँ. I am his child. Hallelujah. Hallelujah. हर बातों में वो मेरी मदद करता है. He helps me all the time. हमारा आप अकेला नहीं है. We are not alone. हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह. We have God with us. हम जो भी करते हैं उसकी महिमा होने दे. Whatever we do, उसकी he will be glorified. होने दे. He'll be glorified. हर क्षेत्र में प्रभु की महिमा होने दे. Let every area let God be glorified. मेरा जिंदगी प्रभु की महिमा करने के लिए. Say with me loudly, my life is to glorify God. करूंगा I will worship, प्रभु praise की महिमा होगा because God will be glorified. I will pray. प्रभु की महिमा God will be glorified. और जब किसी से मिलेगा उसे यीशु का नाम बोलेगा. When I meet somebody, I will tell them about Jesus. क्योंकि यीशु की महिमा होती है. That Jesus is glorified. पिता परमेश्वर की महिमा होती है. The Father will be glorified. जब मेरे द्वारा पिता की महिमा होता है. When through me Jesus Father is glorified. मेरी हर जरूरत को पूरा करता है. All my needs. Hallelujah. Hallelujah. यर्मिया 33 उसका 3 में लिखा है. Call upon me. Call unto me. मुझे पुकार. मुझे पुकार. Call unto me. कितने लोग पुकारेंगे? How many will talk to God? Call God. स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया वो नाम है यीशु मसीह. Under the heavens above the earth there's only one name given to man for salvation. वो नाम में समर्थ है. There's power in that name. कितने लोग पुकारेंगे? How many will call on him? सिर्फ संकट के समय नहीं. Not just on the time of trouble. प्रभु के नाम को पुकारेंगे. But every second you can call on Jesus. जब आप पुकारेगा स्वर्ग आपको उत्तर आएगा उत्तर देने के लिए. When you call the voice will come from the heaven to answer you. रोमियो 8 उसका 15 में लिखा है. That's Romans 8:15. रोमियो की किताब 8:15 क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली. For you not receive the spirit of bondage. कि फिर भयभीत हो. Again to fear. परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली. But you have received the spirit of adoption. जिससे हमें अब्बा पिता. Then we cry अब्बा फादर. ये पिता करके पुकार सकते हैं. You can call God अब्बा फादर. वो मेरा डैडी है. Because he is my daddy. वो मेरा पापा है. He is my father. हमें गुलामी की आत्मा नहीं. We have no spirit of bondage. आजादी की आत्मा दिया. We have a spirit of freedom. जिससे हम खुलकर बोल सकते हैं. With an open heart. ये अब्बा. We can call अब्बा. ये पिता. Father. क्या पहचान रहे? वो डैडी आपके लिए तैयार है. Father is ready for you. वो सोच से भरा है. He is filled with his soul. उसमें कोई कमी घटी नहीं. There is no lack in him. और इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा मुझे कोई घटी नहीं. Lord is my shepherd and आज आपकी परिस्थितियों के बीच में in the midst of your adversity, बोलिए डैडी. Call on him, बस say, Daddy, वो काफी है. That's enough. हर परिस्थिति में आपको उत्तर देने वाला. He will come in all situation, give you an answer. हर बातों में उत्तर देकर आपको मदद करने वाला. In every situation, will answer and help you. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली. Because you not receive the spirit of bondage. क्यों भयभीत होने के लिए नहीं. Again to fear. परंतु ले पालन के लिए आत्मा मिला. But spirit of adoption. जिससे हम हे अब्बा, अब्बा फादर, हे पिता, अब्बा फादर, कहकर पुकारे. We can call. कितने लोग कहेंगे आज से? Today onwards. मुझे सुनने वाला कौन कहेंगे? हे अब्बा. Every viewers, how many of you say? हे पिता, अब्बा फादर. वो मेरा डैडी है. He's our daddy. वो मेरा पापा है. He's our papa. वो मेरा सब कुछ है. He's our everything. वो मुझे मदद करने वाला. He helps me. इस धरती में जीने के लिए मुझे मदद चाहिए. To live in this world, he मेरा helps डैडी me. मुझे मदद करेगा. My father will help me. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग विश्वास करेंगे? How many of you believe? फिलिपियों 4 उसका 6 लिखा है. Philippians chapter 4 verse 6 says. फिलिपियों की किताब 4 उसका 6. किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving in your heart, let your requests be made known to God. पिता परमेश्वर हमसे कहता है. God the Father is telling मेरा डैडी हमसे कहता है. Daddy is telling you.
किसी बात की चिंता मत कर. Be anxious for nothing. दुनिया वाले चिंता में डूबे हुए. The world is worrying. दुनिया वाले डर में डूबे हैं. The world is in fear. पर मेरा प्रभु कहता है. But my father मेरा पापा today, कहता है. My daddy says किसी बात की चिंता मत कर. For मैं हूँ ना. I'm there for you. Hallelujah. Hallelujah. हर एक बात में तुम्हारी निवेदन. In everything your prayer. Let your request be to made unto God. के साथ. With supplication. परमेश्वर के साथ. Thanksgiving made. उपस्थिति करें. Present to us. In everything. आज कौन सी बातें आपको सता रहे हैं? हर बातें प्रभु के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित करो. हर वो परिस्थिति टूटने के लिए पड़ेगा. हर वो गरीबी की नींव नष्ट होगा. हर वो चीजें जो आज आपको सता रहे हैं वो गिर के टूटना पड़ेगा. Fall down and break. आपका सामने करने वाला प्रभु की सामना करता है. Those who come against you, come against God. आपके सामने आने वाला हर एक चीज टूट के गिरना पड़ेगा. Everything that comes against you shall fall down and die. क्योंकि आपके सामने स्वर्ग की डैडी खड़ा है. Because your heavenly father is standing with you. किसी बात की चिंता मत करो. Be anxious for nothing. आज कौन सी बात आपको चिंता कर रही है? What is troubling you today? कौन सा बोझ लेके बैठे हैं? What burden are you carrying? मैं सुबह आपको बताने आया हूँ. Morning, I come tell you. हे हर चिंता के लिए उत्तर देने वाला यीशु मसीह आपके बाजू में खड़ा है. God is standing next to you, who is going to give you answers to all your anxiety. He's your father. डैडी कभी जब डैडी होता आपके साथ. When daddy is with you. आपको कितना भरोसा होता है. You can trust so much. कितना मालूम है हमको कोई फिक्र नहीं क्योंकि डैडी सब कुछ संभालेगा. You become so confident that daddy is there. I don't have to worry. जब बच्चे अपने घर में माँ बाप के साथ वो माँ बाप के पास रहते तो उसे कोई डर नहीं. When the children are at home with the father mother, because the father mother is at their side, they have no worry. जब daddy हाथ पकड़ा है तो डरने का क्या है? When daddy is holding the hand, what to fear? आपका daddy आपके साथ है. Do you know your daddy is with you? हर चिंताओं से. From all anxiety. प्रभु आपको आजाद करे. God is setting you free. हर बातों को धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने, daddy के सामने अर्पण करो. Make your request known to God, whatever it may be. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. तब परमेश्वर की शांति जो हमारी सारी समझ के परे तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा. कितने लोग सुन रहे हैं? आज कौन सी बात सता रहे? कोरोना वायरस. वायरस प्रभु के लिए कुछ भी नहीं. It's nothing for God. वो पहाड़ के समान उसे उखाड़ के फेंक देंगे. God, like a mountain shall cast it out of you. आप आजाद होंगे. You're free. अब आजाद है. You're free. जोर से बोलो मैं आजाद हूँ. Say, जिसे आजाद करते वो आजाद है. Free is free. Hallelujah. Hallelujah. पहला पत्रोस 5 उसका 7. 1 Peter 5:7. अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका उसको तुम्हारा ध्यान है. cares for you. वो मेरे लिए केयर करता है. He cares for us. वो मेरे लिए मेरा ध्यान करता है. My father takes care of me. आपका ध्यान करते He takes care of you. Yes, sir. Yes. हर व्यक्ति का ध्यान करता He takes care of everyone. क्योंकि हम सबको बनाने वाला वही है. धरती में हमें रखने वाला वही है. हम उस पर भरोसा करेंगे. Can we trust in him? क्या हम बोलेंगे डैडी आई नीड यू. Can we say loudly, पिता आपको चाहते हैं, आपको जरूरत है. कितने लोग बोलेंगे? आज से बोलेंगे वो आपका ख्याल करता है. वो आपका ध्यान देता है. तीन बातें जल्दी मैं बता के खत्म करने वाला हूँ. पहले बात डैडी अपने बच्चों पर खुशियाँ देखना चाहता है. First of all, father want to see joy in our face. जोर से बोलो डैडी मुझ पर खुशियाँ देखना चाहता है. Daddy wants to see joy in our face. मेरे खुशियाँ कब होगा जब मेरी जरूरत पूरा होगा. When will we be happy when our needs are met. प्रभु चाहता है कि हमारी जरूरत को प्रभु पूरा करे. God expects us to beat every हमारी, desire for us. हमारी दो बेटियाँ जब वो खुश रहते हैं हम बहुत खुश होते हैं. We have two daughters. When our daughters are happy, we are also very happy. जब वो कुछ परेशानी से जाते हैं हम भी परेशान हो जाते हैं. When they are troubled, we feel worried about them. उसी तरह स्वर्गीय पिता जब हम खुश रहते हैं when we are happy, वो बहुत खुश होते हैं. He is very happy. जब हम खुश नहीं रहते when we are not happy, वो भी खुश नहीं रहते. He is not happy. वो चाहता है कि हम खुशी से भर जाएं. He expects that we should be happy. जब हम उसे खुशी दिलाएंगे when वो हमें खुशी से भरेंगे. He fills us with his happiness. जब हम उसके वचनों पे चलेंगे walk in his क्योंकि word परमेश्वर वचनबद्ध है. Because God is always
inclined to his promises. जब हम वचन की आज्ञाओं को मानेंगे, वचन पर चलेंगे, इसलिए प्रभु कहता है, तू मुझ में बने रह, मेरे वचन में बना रहो, जो भी तू मांगेगा, मैं उसे पूरा करेगा। God's word says, if you abide in me, and my words abide in you, whatever you say you'll ask, I will give you. हम उसके बच्चे हैं। We are his children. वो चाहता है कि हम खुशी मनाएं। He expects us to be आनंद very happy. के उत्सव में ले चलना चाहता है। And celebrate. जोर से बोलो, प्रभु मुझे आनंद के उत्सव में ले चलेगा। Tell with him, God is leading into a celebration of joy. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं? वो चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें। He always expects us to always be happy. परीक्षा ने जो आपको आप से आपका खुशी पसंद नहीं करता। But there's a Satan who doesn't like you to be happy. इसलिए किसी को बोलो शैतान को मौका मत दो। That's why God says, do not give opportunity for Satan. Amen. Amen. झूठ बोल के चुगली करके शैतान के हथियार को इस्तेमाल करते हैं। By telling lies, by gossiping and slandering, we give place to the devil. आप व्यक्तियों के विरुद्ध बोलते हैं शैतान को आप मौका देते हैं। When you speak evil against people, you give opportunity for Satan. धोखा देते हैं तो शैतान को आप मौका देते हैं। When you deceive and betray others, you give opportunity to Satan. चोरी करते हैं तो शैतान को मौका देते हैं। When you rob and steal, you give opportunity to Satan. पर प्रभु उस समय कुछ नहीं कर सकता। God can't do anything that जब तक आप पश्चाताप करके वापस नहीं आते। Unless you repent and come back to God, जब भी कुछ गलत होता है, when something goes प्रभु wrong, से बोलो प्रभु जी मुझे क्षमा कर। God forgive me. जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई। Knowing what I've done, तो वो डैडी आप पर पूरी तौर से कब्जा लेकर वो डैडी आपको आशीष करेगा। Daddy will come back to you and take care of you and bless you. आप डैडी होकर अपने बच्चे को खुशी चाहता है उसी तरह स्वर्गीय पिता आपका डैडी होकर वो आपकी खुशी चाहता है। Just like you being a daddy, you want to see your children happy. So also our heavenly Father want to see us happy. हमको प्रभु में, प्रभु के घराने में बने रहने का। We have to abide and in God and in His household. Hallelujah. Hallelujah. पहली बात क्या बोला मैंने? First of all, what did I say? Father, वो मेरा डैडी है, वो चाहता है कि हम और आप खुशियों में, आनंद में, नव फल और नव वरदानों से भरे। And filled with nine gift and nine fruit of the Holy Spirit. हमें दूसरी बात, हमारा Second, पिता हमें उदारता से देता है। Gives us generously. हमें हमारा पिता लूका के सुसमाचार 11:13. Let's see Luke chapter 11 verse 30. हमारा पिता हमारा डैडी उदारता से हमें देता है। Our Father gives us generously. लूक 11:13 में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, know how to give good gifts unto your children, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे? Give the Holy Spirit to them that ask Him. Amen. Amen. वो उदारता से देना चाहते हैं। He gives us generously. जब हम उससे मांगेंगे, when we ask Him. वो हमें उदारता से देना चाहता है। अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? How much more will he give the Holy Spirit to those who ask of him? हमें हमको मांगने का है। We have to ask him. पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Holy Spirit is there inside. मैं और पवित्र आत्मा मिलकर जो भी मांगेगा। Then I and Holy Spirit and I ask anything to God. आप परमेश्वर हर वो बातें आपके जीवन में पूरा करेगा। Every work, every answer you will give. पहले बात वचन के मुताबिक होना चाहिए। First word should be according to God's word. दूसरी बात परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। Second it should glorify God. आपकी प्रार्थना में परमेश्वर के वचन और महिमा होगा, पक्का आपको जल्दी उत्तर आने वाला है। If your prayer is filled with the God's glory and God's word, it will be answered. मेरा पिताजी दिल खोल कर हमें आशीष करना चाहते हैं। My father will open his heart and give you. उड़ाव पुत्र जब वापस आया, And the prodigal son came back. पिता दूर से ही हाथ बढ़ाकर उसे गले मिलाकर, from far itself, the father saw and ran to him with arms open. उसे अंगूठी पहनाया, put him the golden ring. वस्त्र पहनाया, put the robe. अच्छा खाना खिलाया, gave good food. यूहन्ना 10 उसका 10 कहता है, प्रभु आया ताकि हम और आप बहुताय के जीवन पाए. John 10:10 says, Jesus came to give us abundant life. Hallelujah. Hallelujah. वो हमारी आशीष बरकत और देना चाहता है. He wants to give us blessing. वो हमारा डैडी है. He is our father. वो हमें उद्धारता से देना चाहता है. He gives us generously. हम पिता होकर अपने बच्चों को उद्धारता से देते हैं. We as a parents want to give good things for our children. कितने अधिक हमारे स्वर्गीय पिता हमें उद्धारता से देना चाहता है. How much more God want to give us? Hallelujah. Hallelujah. तीसरी बात, पहला बात क्या है? First thing is what? परमेश्वर पिता हम बच्चों पर क्या करना चाहता है? God want to always see us in joy. हमें
आनंद खुशी में देखना चाहता है। दूसरा वो हमारे स्वर्गीय पिता है, वो हमें उद्धारता से देना चाहता है। तीसरी बात वो हमारा डैडी है, वो हम पर अपना प्रेम उंडेलता है। हम बच्चों पर उसकी उसके प्रेम को उंडेलता है। पहला यौहन 3 उसका एक 1 John 3:1 देखो Behold, पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है, love the father bestowed upon us, कि परमेश्वर के संतान कह रहा है, we should be called the children of God. हम है भी, and that's what we इस कारण that is why, संसार हमें नहीं जानता, the world does not know us, उसे भी नहीं जाना, the world does not know our father. पिता ने हमसे कितना प्रेम किया, look how much the father loves us, he lavished his love on us, how much the father lavished his love upon us. Come on, just बोलो, मेरा डैडी मुझ पर अपना प्रेम को उंडेला है। My father has lavished his love upon us. यूहन्ना 3:16 में लिखा है। John 3:16 says. परमेश्वर ने इस जगत से God so loved the world. इतना प्रेम किया। Loved the world so much. कि वो अपने पुत्र एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे। Jesus Christ. जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास वो नाश नहीं होगा। Shall not perish. पर अनंत काल की जीवन पाए। But have eternal life. हमें उस वचन को अगर इस तरह बोलेंगे। If you say in this manner. परमेश्वर ने God so Wilson से love Selin इतना प्रेम किया so much कि उतना उसने अपने इकलौता यीशु मसीह को दे दिया। Jesus Christ जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास believes in him Wilson यीशु मसीह पे विश्वास करेगा Selin believes in Jesus Christ वो बीमारी से नाश नहीं होगा I will not perish वो श्राप से नाश नहीं होगा I will not perish to curse वो नरक नहीं जाएगा I will not go to hell वो अनंत काल के जीवन पाएगा I will receive eternal life Amen Amen वो हम पर इतना प्रेम निछावर किया God has lavished his love upon हमको इतना प्रेम से भरा है God has filled us with his love हम प्रेम में चलेंगे We will walk in love हम प्रेम में चलेंगे We will walk in love मेरा डैडी प्रेम से भरा My है My father is filled with love मैं बेटा होकर प्रेम में चलूंगा I am his son Hallelujah and I walk in love कितना लोग सुन रहे हैं क्या पहचान रहे Do you recognize क्या पहचान रहे वो मेरा डैडी है my father? अगर आप पहचानेगा वो आपका डैडी है If you recognize that God is your father इस धरती में आप सबसे आशीषित व्यक्ति You will be the most blessed person. कितने लोग बोलेगा वो मेरा डैडी है। How many will say he's my daddy? मैं उसका बेटा हूँ। I am his son. Daddy, I love you. Keep saying daddy, daddy I love you. Daddy, I love you. Daddy, I love you. हर रोज बोलो 10 बार, 20 बार, 1000 बार बोलो। Daddy, I love you. Till you establish his love. दिन में कितने बार बोलता मालूम नहीं। I keep saying every time. क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा डैडी वो मैं उस डैडी से प्रेम करता हूँ वो मुझसे प्रेम करते हैं एक रिश्ता है इस रिश्ते में सामर्थ्य है इस रिश्ते में आशीष है इस रिश्ते में बरकत है इस रिश्ते में उन्नति है कोई समझ रहा मुझे अब वो जोर से बोलो ना वो मेरा डैडी है मैं उसका बेटा आज अगर इस बातों को आप समझ गया आप पक्का आशीष पाए क्योंकि जो कुछ डैडी के पास सब कुछ मेरा ले लिया He took everything of mine. और उसका सब कुछ मुझे He gave everything of him. अब अपना अधिकार के साथ Now with authority, कह सकता है He can say, कि यीशु मेरा डैडी है God is my father. मैं उसका बेटा हूँ. I am his child. जो कुछ यीशु का है. Whatever is the father's. सब कुछ मेरा है. Everything is mine. ऐसा कोई बात यीशु पर नहीं है. Nothing which is not of the father. पर सब कुछ यीशु का है. Everything is of the father. मैं सब कुछ पाऊंगा. And I will get it. मैं स्वर्ग जाऊंगा. I will go to heaven. स्वर्ग मेरे लिए है. Heaven is for me. यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूँ तैयार करने के लिए. Jesus said I am going to prepare a place for you. जब मैं जगह घर तैयार हो जाए मैं वापस तुझे लेने आ रहा हूँ. When the house is ready, I will come back to take you to so that you will be where I am. हम उसका है. We belong to him. वो मेरा है. I am his. हम उसके लिए जिएंगे. I will live for. हमारा अंतिम सांस तक. Till the last. यीशु में बने रहो. We will remain. यीशु ही सब कुछ है. He is my everything. आइए प्रार्थना करें. Let's pray. पास्टर सलीन हमें प्रार्थना में अगुवाई करें. Hallelujah. Wasn't that a wonderful word? कितना अच्छा वचन था. See, though we know God is Father, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है yet we don't bask ourselves in his love. और हम उस प्रेम से नहीं पहचाने हैं. Hallelujah. I remember, मैं जानता हूँ, in the year 2000, 2000 में, I heard his voice in the coma. कोमा में यीशु मसीह की आवाज सुना. He said, be still and know that I am your God.
ये जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। That voice was so gentle and so sweet. अब वो voice इतनी आनंद और खुशी थी। So gentle. और gentle था। I felt so comforted. इतनी तसल्ली से मैं भर गया। In the valley of death. हाँ मौत की तराई पर। I was comforted. मुझे संतावना मिला। The voice brought me alive. और उस आवाज ने मुझे जिंदा रखा। Even now when I hear his voice. अभी भी हम उसकी आवाज जब सुनते हैं। He speaks so gently. कितनी सौम्य से वो बात करता है। How much the Father loves us. कितना हमें डैडी हमसे प्रेम करता है। We should also love him. हम भी उसे प्रेम करें। He is love hungry. अब वो प्रेम का भूखा है। We must tell him every day I love you. हमें हर रोज प्रभु से कहना कि हम आपसे प्रेम करते हैं। That's only thing he can't do it for himself. वही एक बात है जो खुद वो नहीं कर सकते। He expects us to say I love you. वो चाहता है कि हम उससे कहें कि डैडी आई लव यू। Whenever I worship God, जब भी मैं प्रभु की आराधना करता हूँ, I hear his voice saying, मैं उसकी आवाज सुनता हूँ कहते हुए, Selin, what you want? Selin, तुझे क्या चाहिए? I tell him, I want nothing. I want you, God. मुझे कुछ नहीं सिर्फ आप चाहिए प्रभु। I want you, God. मुझे आप चाहिए प्रभु। I want to fill myself with you. मुझे आपसे भरिए प्रभु जी। And you know what God, how God feels? आपको मालूम है प्रभु को कैसे महसूस लगता है? So happy. वो कितना खुश हो जाते हैं। Amen. Amen. Let us only seek Him first. आइए अब उसे हम खोजें। Everything will follow. सब कुछ आपके पीछे चलेगा। Yes. So should today we pray to God? आइए हम प्रार्थना करें। That we may recognize the Father's love. परमेश्वर की प्रेम को पहचाने। हम प्रार्थना करें। Maybe you had a very strict father. हो सकता है धरती में शारीरिक पिता आपका बहुत स्ट्रिक्ट था। Maybe he was a passive father who never did anything for you. वो ऐसा कंसर्वेटिव पिता था आपके लिए कुछ नहीं किया। He never talked to you. वो कभी आपसे बात नहीं किया। He could not even touch your father. आपका अपने पिता को छू भी नहीं सका। He was so disciplined. इतनी अनुशासन वाला व्यक्ति। Always shouting. हमेशा चिल्लाता हुआ। But you know God. आप जानते हैं प्रभु। We can sit in his arms. उसकी गोद में हम बैठ सकते हैं। He is always there for us. वो हमेशा हमारे लिए है। He is carrying us. वो हमारे लिए संभालता है। He carries us. हमें ले चलता है। Hallelujah. That's your father. वो है आपका डैडी। He is so loving. वो कितना प्रेम करता है। We will pray today. आज हम प्रार्थना करें। That Jesus said. यीशु मसीह ने कहा। John 17:21. 17 उसका 21। That they may be one as you and I are one. अब वो लोग एक हो जिस तरह मैं और आप एक हो। Jesus and Father are always one. यीशु मसीह और पिताजी हमेशा एक था। They always talk to each other. वो हमेशा बातें करते थे। Let us be one with our Father. और हम पिता के साथ एक हो जाएं। Keep telling Lord, I just want to be one with you. हम प्रभु जी आपके साथ एक होना चाहते हैं। I want to know your heartbeat. हम आपके दिल की धड़कन को जानना चाहते हैं। And I want to do it. मैं वो करना चाहता। I want to please you in everything. मैं आपको खुश करना चाहता हर बातों में। I want to hear your sweet voice saying. आपकी मधुर आवाज सुनना चाहता। This is my beloved son with whom I'm well pleased. ये मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Let us pray. आइए प्रार्थना। Heavenly Father. स्वर्गीय पिता। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम। We are so grateful for today's word. तेरे वचन के लिए धन्यवाद। Once again you brought us back to the Father's love. और एक बार आपने हमें अपने पिताजी के प्रेम में लेके आया। Lord, we were so far away. हम कितने दूर थे प्रभु। We were lost in the chaos of this world. इस दुनिया की भीड़ भाड़ में हम खो गए थे प्रभु जी। What is happening here and there? जो इधर उधर हो रहे हैं परमेश्वर। Coronavirus. Coronavirus. Lockdown. Lockdown. Lack. Lack. We were so lost in that. हम इन बातों में खोए हुए थे। Thank you for bringing us back to the Father's love. आइए हमें लेके आए पिताजी के प्रेम में इसलिए धन्यवाद। Daddy, you are our source. Daddy, आप हमारा सोर्स हैं। You are everything for us. आप मेरे लिए सब कुछ हैं। We will lack nothing. हम कोई भी चीज में कमी घटी नहीं होगी। When we are in your presence. हम तेरी उपस्थिति में। We don't have to worry about anything happening around. कोई बात की चिंता नहीं करने की क्या हो रहा है। Just like a child is secure in the father's presence. जिस तरह एक बच्चा अपने माँबाप के हाथों में सुरक्षित है। We are secure in you. हम तुझ पर सुरक्षित। You are refuge and strength. आप हमारा गढ़ और शरण स्थान है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, we want to be one with you.
हम आपके साथ एक होना चाहते हैं। We want to be one with you. एक होना चाहते हैं। We want to be intimate with you. हमें गहरा रिश्ते में ले चलो। Like nobody else has. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं। We want to be intimate with you. हमें गहरा रिश्ते में ले चलो। You are everything, Father. आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु। We love you, Daddy. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। Show us your heart. वो आपके दिल को दिखाता है। So may we follow it. ताकि मैं आपके पीछे चलूं। Like Jesus, we want to do your will, Father. आप यीशु मसीह के समान हम आपकी इच्छा पूरा करना चाहते हैं। Just wipe us out, Lord. हमें एकदम तेरे लिए रख प्रभु जी। Just let us just go away. Let us be zero and you be 100% in us. और हम खुद में शून्य और आप हम में 100% हो। Help us, Father. पवित्र आत्मा हमें मदद कर। To be like Daddy. पिताजी के समान होने and के do the will of the Father. पिताजी के काम को पूरा करने and to be one with our Father. डैडी के साथ एक होने के लिए। Thank you, Father. धन्यवाद यीशु। You are everything. आप ही हमारा सब we कुछ। We only want you. हमें आप चाहिए प्रभु जी। In Jesus name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Have you become one with your Father? क्या आप पिताजी के साथ एक हो गए? Experience the love right now. आप उस प्रेम को अनुभव कर रहे? God's hand is just coming upon you. परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आ रहा है। It's upon your head. आपके सिर पर। He's pampering you. वो आपको शाबाशी दे रहा है। सरा रहे हैं। He's pampering you. वो आपको सरा रहे हैं। He's telling you, I love you, my child. वो कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ बेटा। Maybe in the night you did not sleep. हो सकता है रात को आप सोया नहीं। Maybe you were crying. हो सकता है आप रो रहे थे। You're full of fears. सारे डर से भरे हैं। He is comforting you. आपको वो सरा रहा है। He's strengthening you. वो आपको ताकत दे रहा है। Hallelujah. धन्यवाद यीशु। You feel his love right now. क्या आप उस प्रेम को महसूस कर सकते? Hallelujah. Shall we go to the second point? दूसरी पॉइंट पे जाएंगे। 1 Peter 5:7 says. पहला पत्रुस 5 उसका 7 कहता है। Our care upon God. हम सारी चिंताओं प्रभु पर डालेंगे। He cares for us. क्योंकि वो हमारा ख्याल करता है। Yes. We'll tell God just like you're a caring person. जिस तरह आप संभालने वाला व्यक्ति हैं। We want to be caring towards others. हम दूसरों को संभालना चाहते हैं। We want to be compassionate toward dying souls. अब मरते हुए आत्माओं के लिए हम तरस से भरे प्रभु। We don't want to tell like Cain. हम केन के समान नहीं बोलेंगे। I'm not my brother's keeper. मैं अपने भाई का रखवाला नहीं। I have nothing to do with him. मैं मेरे उससे कोई वास्ता नहीं। Lord, you have made us watchmen for our brothers. आपने हमें रखवाला बनाया प्रभु जी। For this world. इस दुनिया के लिए। So that we may warn people and bring them into Jesus. ताकि हम लोगों को सावधान करके Lord, प्रभु give us a compassionate heart. हमें तरस वाला दिल दीजिए। A heart which is full of burden like your heart. एक दिल ऐसा जो आपके दिल के समान बोझ से बने। हम आत्माओं को तेरे राज्य में ले जाएं। जब तक हमारे पास बोझ नहीं। We cannot bring one soul into your kingdom. हम एक भी आत्मा को प्रभु के राज्य में नहीं ला सकते। We will not be concerned about them. हम उनके बारे में चिंतित नहीं होंगे। We are so only thinking about our own life. हमारी खुद की जिंदगी के बारे में। What we eat, what we'll drink. क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे? किधर हम रहेंगे? God, we want to be concerned like you are full of compassion. जिस तरह आप दूसरों लोगों के लिए तरस खाते हैं, हम भी वही तरस से बनना चाहते हैं। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Possibly, yes, in prayer. आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। हम आपके चरणों में आते हैं। आपने कहा you said, अपने परमेश्वर से पूरे दिल और जान से प्रेम करो। Love your God with all your heart, mind and strength. हम आपसे प्रेम करते हैं। We love you, Daddy. हम आपको डैडी कहते हैं प्रभु। We call you Father. आप हमारा पापा है। You are our Daddy. हमें आत्मा दिया है। Lord, you've given us उस a soul. आत्मा से हम बुला सकते हैं। With our spirit we can cry to you. हे अब्बा हे पिता। Abba Father. तूने कहा तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। Lord, you said love your neighbor as your own self. प्रभु जी हमें प्रेम की वो सामर्थ्य। Lord, give us a heart to love and care for others. जिन भाइयों और बहनों को हम देखते हैं प्रभु जी उन्हें हम प्रेम करने के। The brothers and sisters that we see that we will love them. अगर हम किसी को चोट पहुंचाए हमें तू क्षमा। Lord, we have hurt anyone, forgive us. प्रभु जी उन सब भाइयों बहनों को प्रभु में हम उन्हें आशीष करते हैं। Lord, in the Lord we bless all of them. एक दूसरे को हम उठाएंगे प्रभु। Lord, we lift up one another. पवित्र आत्मा में मदद कर। Holy Spirit help us. ताकि सबों को हम प्रेम करें। That we may love everyone.
ताकि हमारे अंदर तरस वाला आत्मा में, we may have compassion, पत्थर वाला दिल निकाल दे, take out the heart of stone, मांस वाला दिल दे, give us a heart of flesh, जो परेशानी में है, that people who are जो जरूरतमंद है, those who are needy, उनके बीच में प्रभु जी उनके लिए मददगार बनकर उन्हें हम आशीष करना चाहते, we bless them, पवित्र आत्मा में सहायता कर, जेनरस माइंड दे प्रभु जी, उदारता से देने वाला मन दे प्रभु, ताकि हम लोगों के लिए आशीष बने, हजारों लाखों लोगों के लिए आशीष बने, सिर्फ बोलने वाला नहीं, आत्मिक आर्थिक स्थिति में आप हमें उठा प्रभु जी, Lord, lift us up financially, ताकि तेरी महिमा हो, your name may be glorified, लाखों लोग तेरे राज्य में हैं, Lord, let the souls who are dying come into your kingdom, यीशु के नाम समझ कर सुन और ग्रहण कर, Jesus name, amen, hallelujah, hallelujah, did you pray that? क्या आपने प्रार्थना, get compassion for dying souls, मरते हुए आत्माओं के लिए आपने तरस मांगा, hallelujah, yes, let's pray for the next point, आइए अगला पॉइंट के लिए, John 14:15 says, योहन्ना 14:15 कहता है, Daddy says, if you love me, you'll obey my commandments, अगर आप मुझसे प्रेम करता है तो हमारी आज्ञाओं को मानेगा, John 15:8 says, 15:8 योहन्ना, we will bear fruit when we abide in him, और जब हम प्रभु में बने रहेगा हम फल लाएंगे, and through that we'll glorify the Father, और उसके द्वारा हम पिता की महिमा करेंगे, now we'll pray, God help us, हम प्रार्थना करें परमेश्वर हमें मदद करें, to walk in your commandments, ताकि तेरे नियमों पर चले, to obey your commandments, तेरे वचनों को आज्ञा माने, how many of us are parents, कितने माँ बाप हैं, how much do you like when your children obey you immediately, कितने लोग पसंद करते हैं आपके बच्चे जब आप तुरंत सुनते हैं, or if they are stubborn and rebellious, अगर वो stubborn और rebellious है, बलवा करते, they won't listen to you, वो आपके सुनते नहीं, they just turn away from you, अब वो घूम के चले जाते हैं, or chat back, अब वो उल्टा बोलते हैं, how do you feel, कैसे आपको लगता है, we are God's children, हम परमेश्वर का संतान है, we must obey his commandments, उसकी वचनों को आज्ञा करनी है, we must bear fruit, हमें फल लाने का है, and glorify his name, परमेश्वर की महिमा करने का, pray to God for that, आइए प्रार्थना करें, hallelujah, धन्यवाद Father, स्वर्गीय पिता, we thank you, हम तुझे धन्यवाद देते, we love you Daddy, हम आपसे प्रेम करते हैं, and that's why we want to obey your commandments, हम आपके वचनों का आज्ञा करना चाहते हैं, take away the rebellious attitude from our life, बलवा करने वाला दुष्ट आत्मा हमारे जीवन से निकाल दे, take away the stubborn hearts, और कठोर मन को तो निकाल दे, and give us a heart of flesh, और मांस वाला हृदय दे प्रभु, that will obey you, oh God, ताकि वो तुझे आज्ञा माने, will follow you, oh God, तेरे पीछे चले प्रभु, and will bear the nine fruits of the Holy Spirit, नौ फल पवित्र आत्मा का हम पाएंगे प्रभु, लव जॉय पीस आनंद शांति, पीस प्रेम जॉय आनंद, विल बी फिल्ड विद दिस पेशेंस धीरज सेल्फ कंट्रोल संयम फेथफुलनेस विश्वास योग्यता जेंटलनेस भलाई गुडनेस भलाई काइंडनेस भलाई विद ऑल द नाइन फ्रूट्स और सारे नौ फल से we want to be filled, oh God. हमें भर दे प्रभु we want to live that way. हम उस तरह जीना चाहते हैं and people know that we are your disciples by our love. और लोग जानेंगे कि हमारा यीशु का चेला प्रेम से भरे हैं धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु we give you glory. सारी महिमा तुझे दे Jesus name we pray. यीशु के नाम से all God's people said, सबने कहा Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And the apostle taught us. प्रेरित ने सिखाया. That our Father always want to see us happy. हमारा परमेश्वर हमेशा हमें खुशी देखना चाहता है. Psalm 16:11 says. भजन संहिता 16:11. King David says. दाऊद कहता है. There's fullness of joy in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूरी आनंद है. Like our children when they are in our presence. जब हमारे बच्चे हमारी उपस्थिति में हैं, they dance, they sing, वो नाचते हैं, गाते हैं, they shout, वो चिल्लाते हैं, and they're so happy. अब वो कितने खुश हैं? Hallelujah! They play with us. वो हमसे खेलते हैं. So, so God wants to see us happy. उसी तरह प्रभु हमसे भी चाहते हैं कि हम खुश हैं. खुशी बच्चे परमेश्वर का. Apostle lead us in prayer. आइए प्रार्थना करेंगे. That even as we are happy in God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब आनंदित हैं that we will spread that joy to others and also ताकि हम उस आनंद को सब लोगों को बताएं हालेलुया
आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता धन्यवाद, हेवनली फादर वी थैंक यू अच्छी अवसर के लिए, फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम, तेरे वचन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर वर्ड, प्रभु जी तेरे प्रेम से हमें भर दे, फिल अस विद योर लव, ताकि हम सब उसे प्रेम करें, वी मे लव अदर्स, प्रभु जी तेरी महिमा से भर दे, फिल अस विद योर लव, ताकि ग्लोरी, ताकि तेरी महिमा हो प्रभु जी, दैट योर नेम मे बी ग्लोरीफाइड, जैसे हमारी बच्चे हमारी उपस्थिति में Just like our children in our presence. आनंद मनाते हैं. Are filled with joy. हम आपकी उपस्थिति में. We want to be in your presence. हमेशा. Every time. आनंद मनाएं. We want to rejoice. हम आपकी उपस्थिति ले चलना. We want to take your presence. हम आपकी महिमा से भरना चाहते हैं. We want to be filled with your. हमें आशीष कर. Help us. पवित्र आत्मा में मदद कर. Holy Spirit help us. निरंतर खुशी मनाने. We may always rejoice. निरंतर नौ फलों से भरने के. Fill with the nine fruits of the Holy Spirit. हम सिर्फ बोलेंगे नहीं. अभ्यास करेंगे। Not only say it, but you will practice it. हमारा जिंदगी, हमारा lifestyle नौ फल होगा प्रभु। Our lifestyle will be nine fruits. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. हमारी आशा आप है। Our hope is you. हमारा सब कुछ आप है। You are our everything. आप हमारा डैडी है। You are our father. हम सब कुछ आप पर डालते हैं। We lay everything into your hands. हमारे हर कदम आप अभिषेक करें। Every step we take, you will anoint us. धन्यवाद यीशु। Thank you, God. यीशु के नाम से मांगता हूँ। In Jesus' name, we सुन आग रहे हैं। Hear and answer. Amen. Amen. And the second point, he said, the Father fills us with His love. और दूसरी बात कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम से हमें भरता है। He lavishes love upon us. और अपने प्रेम को इतना उन्नेला है। Third, he spoke about God is generous in giving. परमेश्वर उदारता से हमें देता है। Proverbs says. नीति वचन कहता है 1917 those who give to the poor जो गरीब को देता है they lend to the Lord वो परमेश्वर को देता है and he will repay them back अब परमेश्वर उसे वापस देता है do you know you can give loan to the Lord आपको मालूम है आप परमेश्वर को परमेश्वर से परमेश्वर को लोन how do you give loan to God आप परमेश्वर को लोन कैसे देंगे when you give to poor people जब आप गरीब लोगों को देते हैं यू आर गिविंग लोन टू गॉड आप परमेश्वर को लोन देते हैं ही विल नॉट ही इज नो मैन डेटर वो किसी की कर्जदार नहीं ही विल रिपे यू बैक वो अभी आप आपको वापस इंटरेस्ट के साथ देगा गॉड्स इकोनॉमी इज डिफरेंट परमेश्वर की इकोनॉमी अलग है व्हेन वी गिव वी डोंट इट डजंट बिकम लेस आवर रिसोर्सेज विल नॉट बिकम लेस जब हम देते हैं हमारा जो है वो कम नहीं होता इट विल बिकम मोर वो बढ़ता है बिकॉज़ गॉड गिव यू मोर एंड मोर क्योंकि परमेश्वर और देना चाहता है और देना चाहता है। Give and shall be given unto you. दो तो और दिया जाएगा। And that's God's principle. वही है परमेश्वर के सिद्धांत। So there are so many needy around you. आपके आजू-बाजू में कितने जरूरतमंद लोग हैं। There are so many people who are poor. और कितने गरीब लोग हैं। They are suffering. वो वेदना से हैं। There's no food or food for them. और उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं। Will you close your eyes and say, no, I'm not bothered? आप अपनी आंखों को बंद करके बोलेंगे कि मैं इसे कोई वास्ता नहीं। No, we must reach out and help the poor. हम उन गरीब लोग को उनको आदर उनको सहायता करें। Just like Joseph. यूसुफ के समान। In the time of famine. अकाल के समय। He gave provision to people who came. और जो भी लोग आए उसे जरूरत का पूरा किया। Hallelujah! You are the Joseph of this world. इस धरती के यूसुफ आप हैं। You have to give to the poor. आप गरीब लोगों को दीजिए। The needy. जरूरतमंद लोगों को। God will repay you back. परमेश्वर आपको देगा Let us have a big heart like God. हमारा दिल इतना बड़ा हो परमेश्वर जैसा Acts 20:35 says, प्रेरितों के काम 20 उसका 35 कहता है It's more blessed to give than to receive. इतनी अच्छा है कि देने से धन्य है लेने से धन्य है देना Hallelujah. Hallelujah. Today onwards we'll practice giving. आज से हम प्रैक्टिस करेंगे देना If you feel somebody is needy, go and give. और कोई जरूरतमंद है तो जाकर दो Seek out such people. Find out. उन लोगों को ढूंढो जिनको जरूरत है. And give them. और उन्हें दीजिए. I'm telling you, you'll be blessed. और मैं कहूँ कि आप आशीषित होंगे. You will have no lack. आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं. God will pay you back. परमेश्वर आपको आपका आपको वापस करेगा. Let's have a big heart like our father's heart. हमारा दिल इतना बड़ा हो कि डैडी की दिल जैसा हो. Generous. उदारता से देना. Full of love. प्रेम से भरना Shall we pray? आइए प्रार्थना करें Hallelujah. Heavenly Father, स्वर्ग पिता In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से You taught us that you love us so much.
आप हमें कितना प्रेम करते हैं। And you're so generous towards us. और आप हमारी ओर उद्धारता से देता है धन्यवाद। You lavish so many good things upon our lives. हमारे जीवनों में उद्धारता से आपने उंडेला है धन्यवाद। James 1:17 says every good and perfect gift comes from you. याकूब 1:17 में सबसे उत्तम दान तेरी ओर से आते हैं प्रभु। And we also want to give others as you give us. जैसे आप हमें देंगे उसी तरह हम दूसरों को देना चाहते हैं। Freely we have received, freely we give. मुफ्त में हम पाया, मुफ्त में हम देंगे। Like Proverbs 19:17 says. नीति वचन 19:17 में लिखा है। Those who give to the poor. जो गरीबों में देता है। Lend to the Lord. वो परमेश्वर को देता है। He will, and God will repay him back. अब परमेश्वर उसे वापस करेगा। Lord help us to serve the poor and the needy. और जो गरीब बने, जो जरूरत बने, उन्हें सेवा करने के लिए मौका दे प्रभु। And help us to serve them. हम उन्हें उनकी सेवा करना चाहते हैं। Thank you God. धन्यवाद यीशु। We give you glory. सारी महिमा तुझे दे। In Jesus name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Now apostle pray for the last point. भैया आखिरी पॉइंट के लिए प्रार्थना करें। COVID infected people. COVID से प्रभावित लोग। Even as apostle prays, we also remember if there's any COVID infected whom you know, pray for them in your mind. अगर कोई COVID से परेशान है, उनको आप जानते हैं, उनके लिए भी आप भी प्रार्थना करें। When we agree together, God will answer. जब हम मिलकर एक वाचा में एकता में आएंगे, प्रभु हमें उत्तर देगा। Pray for the government. सरकार के लिए प्रार्थना करें। Pray for the health workers. Health workers के लिए प्रार्थना करें। All the doctors, nurses, cleaners, sweepers. साफ सफाई करने वाले। Police force. We pray for our churches. हमारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। Pastors के लिए। We bless all our viewers. हमारी सारी दर्शकों को प्रभु आशीष करें। आप आशीष करें। We shall be blessed when you go out. जब आप घर के बाहर जाएंगे आशीष पाएंगे। We shall be blessed when you come in. जब घर के अंदर आएंगे आप आशीष पाएंगे। Every viewers are blessed. और जो देख रहा हमें उन्हें वो प्रभु आशीष करे। All your needs will be met. आपकी सारी जरूरत को always be protected. आप सुरक्षित हैं। From all evil and harm. सारी बुराई से और बीमारी से। From all witchcraft powers. सारी जादू टोले मंत्रवादी से। From all sickness. सारी बीमारियों से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Apostle will lead us in prayer. आइए प्रार्थना करेंगे। बीमारी को हम नष्ट कर दे। आपने हमें सांपों को बिच्छू को रोने के अधिकार दिए। कोरोना वायरस को नष्ट कर दे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के वचन से नष्ट हो जाए। Be destroyed. यीशु के नाम। In Jesus. और वो परिवार affected है। Pray for all the family which is affected. परिवारों को तू चंगा। Lord touch and heal them. उस मोहल्ला को तू चंगा। Lord bless that place, that area, that country. हर दुनिया में हर व्यक्ति that every person in the world be free from coronavirus. Enough is enough. बहुत हो गया। Too much. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus name. यीशु के लहू से। With the blood of Jesus. आज बांध देते तुझे। We bind you coronavirus. और समुद्र में फेंक देते। Cast it in the sea. यीशु मसीह के नाम से। In Jesus. तेरी महिमा होने दे प्रभु। Lord let your name be glorified. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. सारी डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना कर। Pray for the doctors. नर्सेस के लिए प्रार्थना। Nurses. उन्हें तो बुद्धि और ज्ञान से। God give them heavenly wisdom. प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर सबको। For the prime ministers, presidents and all leaders. चीफ मिनिस्टर्स को तेरे हाथ में। All the chief ministers. तू आशीष कर प्रभु। Bless them. हमारी सरकार को तू आशीष। Pray for our government. इस समय में। In this time, जो भी निर्णय लेगा, whatever decision they take, ले लेगा। That will be you will be glorified. धन्यवाद प्रभु। Thank you for blessing. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. तेरी महिमा प्रकट हो। Let your name be glorified. ताकि तेरी राज्य आवे। Let your kingdom come. यीशु के नाम से मांगता हूँ। In Jesus name. सुन और ग्रहण। Hear and answer. और सबने कहा। And all said. कितने लोग प्रार्थना किए? And how many of you prayed with us? अच्छा लगा? Did you like it? लास्ट तक आप यीशु को नहीं जानते। If you don't know Jesus. यीशु के बारे में नहीं सुना। You've not heard of Jesus. प्रार्थना आपको यीशु को। Share this miracle prayer. आपके जीवन में बुला। And call Jesus in your heart. साथ हाथ आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं। Close your eyes, lift up your hands. बोले मेरे साथ। ईश्वर के पिता, Heavenly Father, मैं आपके चरणों में आता हूँ। I come to you, जाने अनजाने में, knowing unknowing, मुझसे जो भी पाप, whatever sins have come, मुझे तू क्षमा कर, forgive me, अपने लहू से, with your precious blood, धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर, आप मेरे लिए आया, you came for me, मारा गया, you died for me, दफनाया गया, you buried for me, जी उठा, you rose up again, आज मेरे लिए, today, अब जिंदा है, you are alive for me, यीशु ही मेरा प्रभु, Jesus is Lord, मैं यीशु के लिए जी उठा, I will live for Jesus, पवित्र आत्मा मुझे मदद, Holy Spirit help me, यीशु के नाम से, in Jesus name, मांगता हूँ सुन और ग्रहण कर,
आमेन 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 अगर आप ये प्रार्थना पहली बार की यू सेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम आपका उद्धार हो गया यू हैव बीन सेव्ड आप स्वर्ग जाने वाले यू गोइंग टू हेवन इसलिए कोई कलीसिया में गो इनटू अ नियर बाय चर्च नजदीक की कलीसिया में जाइए गो टू अ लोकल चर्च यीशु मसीह के बारे में लर्न अबाउट जीसस बाइबल पढ़िए रीड द वर्ड किताब आपके लिए यीशु रखा है दिस बाइबल इज फॉर यू यू गॉट इट हियर फॉर यू निरंतर कांटेक्ट में बी इन टच विद अस हर रोज सुबह Every morning, Facebook live में सात बजे आते हैं आप भी आइए हम देखना चाहते हैं आपकी जिंदगी में आप आशीष पाएं We want to see you blessed in your life. पिता परमेश्वर का प्रेम, love of God, यीशु मसीह के अनुग्रह, grace of Lord Jesus, पवित्र आत्मा की सौगंध, fellowship of the Holy Spirit, हम सबों के साथ, be with all of us, यीशु की मेघों में आने till the coming of Jesus, बने रहें, be with us. और सबने कहा, and everyone said, Amen, 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 Amen. बोलो बोलो यीशु मसीह की जय जय जय